प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, आप फिट हैं? यस सर। हाँ, तो पिछले दो चार दिनों से आपने जितना भी ग्रेटिट्यूड बॉक्स के अंदर जो अपने लेटर्स डाले हैं, जो चिट्ठियाँ डाली हैं, जो सीक्रेट चीज़ें आपने लिख के डाली हैं, तो कल वो चीज़ें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी, ठीक है? यस सर। तो मुझे लगता है कि आपने आपको ग्रेटिट्यूड क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ होगी। है, आपको समझ आई है क्या चीज़ होती है वो? यस सर। देखिए, हम जो हैं, हम क्या हैं, हमारी जिंदगी क्या है, ठीक है? इस चीज के लिए जो है बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पीछे। एक बंदा समाज में कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है? नो सर। तो हमें उस चीज के लिए जो है उनका शुक्रिया अदा करना है। और दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, ये यूनिवर्स का एक लॉ है कि आपके पास जो है अगर आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो ऊपर वाला आपको और देता है। जैसे मैंने एक दिन भी आपको कहानी सुनाई थी, ठीक है ना? सर। हमारे पास जो है उसका हम क्या करें? शुक्रिया अदा करें। और हम वो उन चीजों की लिस्ट बनाएं कि हमारे पास क्या क्या है। मानो एक बंदा है, उस हमारे पास तो सब कुछ है, हाथ है, पांव है, आंखें हैं, लेकिन अगर एक बंदा है उसको अगर एक हाथ नहीं, फिर भी जिंदगी तो है ना उसके पास, है ना? हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास जिंदगी। फिर हमारी इस जिंदगी को बनाने के लिए कितने लोगों का हाथ है, माँ बाप का हाथ है, हमारे टीचर्स का हाथ है, हमारी सोसाइटी का हाथ है, ठीक है ना? हर वो बंदा, हर इंसान हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल ले लें, हमारे कुक हैं बेचारे, वो भी हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना? Yes, हमारे गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, जो हमें घर से इधर तक पहुंचाते, इधर से रामबन तक ले जाते, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, ठीक है ना? Yes, तो हमें उनके साथ रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं कि आप बच्चे हमारे लिए और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमें आप लोगों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, होना चाहिए ना? Yes, sir. This is what gratitude. ये क्या है? Gratitude. इसी तरह से अगर हम अपने अंदर एक बिहेवियर को चेंज करें और दूसरे जितने भी लोग हमारे समाज में हैं, जो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना पूरी तनदेही से काम करते हैं, उनके लिए हम शुक्रिया अदा करें, तो एक बहुत अच्छी जो है आपसी जो है क्या बन जाएगा, एक मजबूती आ जाएगी, आपसी प्यार जो है वो भरेगा, है ना? Yes, sir. कितने ही लोग जो हैं इस वक्त फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए कपड़ा बना रहे हैं ना? Yes, sir. चीयर्स बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, ये हमारा जूता फट जाएगा, वो लोग काम कर रहे हैं, वो जूता हमारे पास पहुंच जाएगा और हम उसको लगा, है ना? व्हाई वी शुड नॉट से ग्रेटिट्यूड टू दोस पीपल, हम उनके अब शुक्रिया अदा क्यों नहीं करें? और ये जो सोशल इमोशनल और एथिकल लर्निंग का कंसेप्ट हमारे एजुकेशन के अंदर आया है, अगर डीपली आप लोग उसको समझ जाएंगे तो ये ओल्ड रूट सिस्टम जो है ये सारा खत्म हो जाएगा और एक इंसानियत का जो बीज है वो हमारे अंदर जो है अच्छे तरीके से लग जाए, ठीक है? ये बात नहीं है कि हम इंसान नहीं है या पहले इंसान नहीं थे, इंसान थे, बट द मैटर ऑफ आवर एजुकेशन इज नॉट कि हमारा बच्चा कितने नंबर लेता है। हमारी एजुकेशन का मैटर ये होना चाहिए कि हमने स्कूल से कितने इंसान बना के लिए। आदमी से इंसान बनना बहुत मुश्किल है, जब हम इंसान बनते हैं देन वी हैव हमारे अंदर एक संस्कार होते हैं, जहाँ से हम चलें वहाँ से क्या हो, लोगों को रोशनी दिखे कि कोई एक रोशनी की किरण है हमारे अंदर, वी हैव बंडल ऑफ, हमारे पास इलम है, वो इलम जो है उससे हम लोगों को रोशनी दे, ठीक है, प्यार और मोहब्बत फैला रहे। हमें हर चीज़ के लिए जो है शुक्रगुजार रहना है उस ऊपर वाले का और ग्रेटिट्यूड पे करना, ठीक है? Yes, sir. समझ आए? Yes, sir. थैंक यू।